हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज अरोमा असेंशियल ऑयल्स के साथ करता है और एक नेचुरल थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है कुछ नेचुरल हर्ब्स के साथ में, जो हमारी किचन में भी अवेलेबल हो सकती है, हमारे घर में भी अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग कुछ इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं, जिनको आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकेलिया के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए बहुत सारी पब्लिक परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। हर आठवां व्यक्ति कहीं ना कहीं आर्टिकेलिया से परेशान है इस देश के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कुछ ट्रीटमेंट करें, क्योंकि कभी भी हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, ऐसे चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए हमारी स्किन पर, लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट करा करा के थक गए हैं और हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें दोस्तों ये समझना होगा, हर वीडियो में जिस तरह से मैं बात करता हूं, कि आर्टिकेलिया है क्या। मतलब सबसे पहले आपको बीमारी को समझना चाहिए। बीमारी को जब आप समझ लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है उसके ट्रीटमेंट को करना। तो आर्टिकेलिया में क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर या तो स्किन के कलर के या रेड कलर के बम्स आने लगते हैं, मतलब जिसको हिंदी में, देसी भाषा में दाफड़ कहते हैं, वो आ जाते हैं। मतलब आपकी जो स्किन है वो कहीं ना कहीं पर उभरी हुई आपको दिखाई देती है, या तो वो स्किन कलर की हो सकती है या उसका जो कलर है वो रेड हो सकता है। और ये जो सिम्टम है, ये कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में आपको स्किन पर दिखाई दे सकता है। शुरू शुरू में जब ये हमें एक आधा जगह पर बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है तो हमें ये इंसेक्ट बाइट जैसा लगता है। हमें फील होता है कि यार किसी मच्छर ने काटा होगा या किसी चींटी ने काटा होगा, लेकिन जब हम लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रचंड रूप ले लेता है, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पूरी बॉडी पर भी फैल जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है हमारी स्किन के अंदर? तो हमारी स्किन के अंदर एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है, एक कोशिका पाई जाती है विशेष प्रकार की, जिसको हम मास्ट सेल कहते हैं। ये मास्ट सेल का काम होता है हमारे शरीर के लिए एक रोग प्रतिरोधक तंत्र की तरह काम करना, एक ऐसे सिस्टम की तरह काम करना जिसमें ये बाहर से आने वाले किसी भी तरह के एलर्जेंस, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए फाइट करता है। जब इन मास्ट सेल्स की खुद की ताकत बहुत रिड्यूस हो जाती है, जब इनकी खुद की ताकत बहुत कम हो जाती है, तो ये एक केमिकल प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिस केमिकल को हिस्टामाइन या हेपरिन कहा जाता है। और ये हिस्टामाइन या हेपरिन नाम का केमिकल हमारी स्किन पर जब ये सिक्रीट करने लगता है तो ये बिल्कुल क्लियर सिम्टम होता है कि एक तो आपकी स्किन पर रेडनेस के साथ उभार आ जाएंगे या स्किन की कलर के साथ उभार आ जाएंगे, और साथ के साथ में जो आपकी स्किन है उस पर आपको खारिश, खुजली जैसा भी फील होगा। जब हम इसके ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले हमें इसका रीजन जज करना होता है। तो एक तो मैंने टेक्निकलिटी में आपको बताया कि एग्जैक्टली मास्ट सेल्स का जब बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन होने लगता है, जब वो खत्म होने लगते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके अलावा और क्या रीजंस हैं? तो इसके अलावा और अगर रीजंस की हम बात करें तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है किसी चीज से फूड एलर्जी होना। अब कुछ लोग स्पेशली जिनमें हम फूड एलर्जी की बात करते हैं, तो पीनट्स मतलब मूंगफली से बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं। जितने भी लोगों के ऊपर स्टडी किया गया, उनमें देखा गया कि अगर आर्टिकेलिया के 100 पेशेंट्स लिए जा रहे हैं तो उसमें से 43 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पीनट मतलब मूंगफली से एलर्जी होती है। और मूंगफली से होने वाली एलर्जी इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा अंडा, इसके अलावा आपका नट्स मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट्स एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ आपके नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, जिसमें शेलफिश नाम की एक जो मछली है वो विशेष रूप से इंक्लूडेड है। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिसकी वजह से हमें फूड एलर्जी होती है, जिसकी वजह से हमें ये आर्टिकेलिया का प्रॉब्लम दिखाई देता है। अब इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिकेशंस होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां होती हैं, जिन दवाइयों के प्रयोग करने से भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे एस्पिरिन टैबलेट है,
डिस्पिरिन एक टैबलेट है, आइब्यूफीन एक टैबलेट है। तो कुछ ये टैबलेट्स होती हैं जिनसे बहुत सारे लोग को एलर्जीज होती हैं, एलर्जिक होते हैं बहुत सारे लोग, जिनकी वजह से बॉडी के ऊपर ऐसे रेड कलर के चकते आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसेक्ट बाइट, जब कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स बाइट कर लें जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग टर्म ऑफ रेडनेस फेस करनी पड़े, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्टिकेलिया का रीजन बन जाते हैं। आपके फूड के अंदर जब लाल चींटी जब चली जाती है तो उसकी वजह से भी आपको एक टेम्परेरी आर्टिकेरिया को फेस करना पड़ता है। ये परमानेंट नहीं होता, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन हाँ टेम्परेरली लगभग 5 से 6 दिनों के लिए ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। और अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ये प्रॉब्लम आपको लगभग 20 से 25 दिन, इवन 1 महीने तक भी परेशान कर सकती है। वे लोग जिनके अंदर ऑलरेडी आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, तो आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को प्रवोक कर सकती है एक्सरसाइज। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप किसी भी ऐसी कंडीशन को फेस करते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्वेट आता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से आपका आर्टिकेरिया जो है वो फ्लक्चुएट करने लगता है, वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। यूज ऑफ टाइट क्लोथ्स, अगर बहुत ज्यादा आप टाइट कपड़े पहनते हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक्स पहनते हैं जिनके अंदर से आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं आ पाती है, लाइक अगर आप बहुत सिल्क पहनते हैं या आप बहुत ज्यादा लिनन क्लोथ्स पहनते हैं, या कुछ ऐसे पॉलिस्टर वाले कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें हवा आर पार बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फैब्रिक का टाइप और टाइटनेस यहां पर दोनों काम करेंगे। इसके अलावा आर्टिकेरिया के अंदर बहुत ज्यादा गर्म फूड कंज्यूम करना भी एक बहुत बड़ा एग्रीवेटर हो जाता है आपके इस प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए, ये ट्रिगर कर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म गर्म खाना कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है, बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डस्ट एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं घूमने के लिए जहां पर आपको डस्ट में रहने की आदत नहीं है, लेकिन आप डस्ट वाली जगह पर चले गए, तो वो आपको कहीं ना कहीं पर तकलीफ देगा, जिसकी वजह से आर्टिकेरिया आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा भी देखो कुछ रीजंस हैं जिसकी मैंने लिस्ट बनाई है। लेटेक्स से कुछ लोगों को एलर्जीज होती है, लेटेक्स एक तरह का रबरिक मटेरियल होता है जिससे कुछ लोगों को एलर्जीज होती है, तो भी उनमें आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्पेशली इस समय पर जितने भी सोना बेल्ट्स हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि आप पेट पर लगाइए, स्वेटिंग आएगा और आपका फैट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ये जो सोना बेल्ट्स होते हैं इनको बनाने के लिए लेटेक्स रबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये लेटेक्स रबर क्या करता है, आपकी बॉडी हीट को बाउंड करके रखता है, बांध के रखता है, जिसकी वजह से फैट डिजॉल्व होता है, ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर आपको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि अगर किसी भी तरह का आपका ब्लड कहीं से कहीं पर अगर ट्रांसफर हो रहा है, लाइक आपको अगर किसी का ब्लड चढ़ाया जा रहा है, या एक दूसरे को अगर आप ब्लड दे रहे हैं, या किसी भी तरह के ब्लड का कुछ आपका एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ में, तो भी आपको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम बूस्ट हो सकती है, बढ़ सकती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इंफेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें आर्टिकेरिया एकदम से फ्लर अप हो जाता है, एकदम बढ़ जाता है। फिर पैट्स के जो हेयर होते हैं, पैट्स के जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे घरों में जो पालतू जानवर होते हैं उनके जो फर होते हैं या उनके जो हेयर होते हैं, उसकी वजह से भी ये ट्रिगर करती है प्रॉब्लम। इसके अलावा आपके वातावरण में चेंज होने के बाद जो पॉलन्स होते हैं, मतलब जिनको हम परागकण बोलते हैं, कोई फूल खिल रहा है उसके जो परागकण पूरी हवा के साथ फैल जाते हैं, या कोई भी चीज ऐसी जिसकी वजह से आपके हवा के अंदर कुछ वो पार्टिकल्स मिल गए हो, तो उसकी वजह से भी आर्टिकेरिया बढ़ जाता है। अब क्या किया जाए आर्टिकेरिया के लिए, ये तो सारी चीजें समझ आ रही हैं कि ठीक है इन सारी चीजों से ट्रिगर होता है, बट एग्जैक्टली क्या किया जाए आर्टिकेरिया के लिए। तो सबसे पहली चीज, आर्टिकेरिया को आपको बहुत
लीनियंटली नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा ही है, ये ठीक हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा, कोई तेल लगा लीजिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एलर्जीज हैं, आपको इसके लिए सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप एलर्जिस्ट से मिले, एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशली एलर्जीज के अंदर मास्टरी रखता है, उससे मिले, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको पता है कि मुझे इन स्पेसिफिक चीजों से एलर्जी है, तो आप उन एलर्जन्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा उन एलर्जन्स को अवॉइड करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा आपके इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिपेयर करने में, जल्दी से जल्दी ठीक करने में, और वापस से एक बहुत बेहतरीन लाइफ को जीने में। अगर आपको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी टेस्ट करा करके चेक करने की कोशिश करें कि क्या एग्जैक्टली रीजंस हो सकते हैं आपकी इस प्रॉब्लम के। कुछ दिनों के लिए जिम अवॉइड करें। अगर आप जिम भी जाते हैं, तो अपने साथ में एक नैपकिन जरूर लेकर के जाएं, एक गीला करने के लिए एक वाटर बॉटल लेकर के जाएं, क्योंकि अगर आप ड्राई अगर उस एरिया को पसीना पहुंचने के लिए रब करेंगे, तो उसकी वजह से आर्टिक एरिया फ्लर अप हो जाता है। तो हमेशा गीला करें टॉवल को या हैंकी को या नैपकिन को, और उससे आपको डाप करके अपने पसीने को वाइप ऑफ करना है। जितना आप स्किन को बहुत डेलिकेटली हैंडल करोगे, वो उतना आपको सपोर्ट करेगी। हम क्या करते हैं इंडिया में स्पेशली, हमारी स्किन को हम ना बहुत रफ हैंडल करते हैं, और ये रफ हैंडलिंग कहीं ना कहीं पर हमारे लिए ही कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाती है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना है। डाइट पे आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाना। ऐसी जगह पर नहीं रहना है जहां पे आपको डस्ट पॉलन्स को फेस करना पड़े। आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसी जगह पर रहें जहां पर आप कंफर्टेबली अपने आप को बहुत खुले कपड़ों के साथ में रख सकें। जितना आप खुले कपड़े पहनेंगे, जितना ज्यादा एयर का फ्लो रहेगा आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट के साथ में, उतना ज्यादा परफेक्टली आप इजीली इस आर्टिकेरिया को फेस कर पाएंगे। अरोमाथेरेपी के हिसाब से बात करें, तो एक ऑयल जो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा और बहुत सारे बुक्स के अंदर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अरोमाथेरेपी के, कि जो आर्टिकेरिया के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, उसका नाम है आपका सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल इतना ज्यादा इफेक्टिव है आर्टिकेरिया में कि अगर आपको किसी भी तरह की खुजली, खारिश, इरिटेशन, टिंगलिंग या इचिंग सेंसेशन होती है आर्टिकेरिया में, तो उससे इमीडिएटली आपको रिलीफ देता है। बस आपको पेशेंस रखना है और ट्रस्ट रखना है अरोमाथेरेपी के साथ में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये दो चार पांच ड्रॉप्स क्या मैजिक दिखाएंगे हमारी बॉडी के ऊपर, लेकिन जिस तरह से होम्योपैथी के कुछ ड्रॉप्स आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं, उसी तरह से अरोमाथेरेपी की भी, अरोमा ऑयल्स की जो ड्रॉप्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। अब कैसे यूज करना है सैंडलवुड ऑयल को? सैंडलवुड ऑयल को आपको वीजम ऑयल में मिलाना है। तो आपको 100 ml अगर वीजम ऑयल लिया, तो उसके अंदर आपको मिलानी है 64 ड्रॉप्स सैंडलवुड ऑयल की। इस सैंडलवुड ऑयल को वीजम ऑयल के साथ मिला करके रख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार इसे लोकल एप्लीकेशन कीजिए पूरी बॉडी पर, और अगर पूरी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट वहां जहां पर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने में ध्यान रखें। खाने पीने में सौंफ को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। हमेशा भिगोएं सौंफ को रात को सोते समय, और सुबह सुबह उसे खाली पेट खाएं। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करके देगा। तत्वम इंटेक करें। तत्वम इंटेक करने से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से इनको आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम आया है, इस प्रॉब्लम को फेस करने में आपको मदद मिलेगी। आर्टिकेरिया जो है उसको ठीक करने के लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसमें तत्वम आपको सबसे ज्यादा मदद करता है। बहुत सारे लोग ले रहे हैं तत्वम और अपनी जिंदगी को उन्होंने चेंज होते हुए देखा भी है। आर्टिकेरिया के अंदर मैंने अपने कई पेशेंट्स को तत्वम दिया, दे आर फीलिंग सो हैप्पी विद दैट। इसके अलावा जब आप नहा रहे हैं, तो गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। हालांकि अभी तो समर्स है, लेकिन विंटर्स में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आर्टिकेरिया फ्लर अप हो जाता है। तो ध्यान रखें कुछ ऐसी चीजों का जो जो इस वीडियोस के अंदर बताई गई है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम का होगा। आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करें। आप जितना ज्यादा शेयरिंग करेंगे, उतना ज्यादा ये जो नॉलेज है ये लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। उम्मीद करता हूं आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।